तो यार बहुत बहुत वेलकम है तुम्हारा इस मिहिर गलत के नए एपिसोड में। ठीक है, तुम देख लो आज अपने सामने वंस अगेन फिर से है वैगनार, वैगनार फुल्ली मॉडिफाइड अपने सामने यहाँ पे। भाई है भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बढ़िया बढ़िया भाई, पहले तो मुझे ये बताओ भाई, जरा गाड़ी के पास हो यार, मतलब अपनी शान के बगल में खड़े हो तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ भाई, ये बताओ मेरी आपसे कब बात हुई थी? भाई आपसे बात हुई थी एक हफ्ते पहले बात हुई थी, है ना। और मैंने यार भाई की गाड़ी देखते ही ना पसंद कर ली थी, सच बता रहा हूँ। मैंने रील पे देखी थी भाई, इंस्टाग्राम में काफी एक्टिव है ना, रील वगैरह डालते रहते हैं, और देखते ही मुझे गाड़ी इतनी पसंद आ गई ना, मतलब सच में। क्योंकि ना ये सेम कलर की वैगनार भाई मेरे पापा के पास भी है, और मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि कोई बंदा मतलब इस वैगनार पे भी मॉडिफिकेशन का खेल कर सकता है यार, है जो आपने कर दिखाया। पहले तो मुझे ये बताओ, ये वैगनार आपकी पर्सनल है? पर्सनल है तो यार, वैगनार पर्सनल मैंने सुना नहीं कभी किसी की होती है, या वो भी अपने यूथ लौंडे लबाड़ू की, ऐसा कैसे हुआ? ये है भाई पापा की। अच्छा, तो ये मतलब फैमिली बेसिस पे चलती थी। हाँ हाँ, तो मैंने सोचा कि वैगनार कोई मॉडिफाई कराता नहीं। हाँ, तो भाई मैंने सोचा कि मॉडिफाई करवा के देख लो। अच्छा, तो फिर इसके रील्स भी चलने लग गई, अकाउंट भी रिचार्ज पे आने लग गया। अच्छा, तो भाई तो मैंने सोचा कि मॉडिफाई रहता है। तो अभी पापा कौन चला रहे हैं फिर? पापा चलाते हैं, मैं इसकी फिल्म बढ़ाए थे। अच्छा तो मतलब अभी भी अपने घर की यही मेन गाड़ी है ना। तो पापा तब चलाते हैं, जैसे हर बार तो पापा साथ आप होते नहीं होगे, है ना। तो ये एलॉयज वगैरह के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें मेजर मॉडिफिकेशंस क्या है फिर यार, मतलब जरा वो बताओ आप। फिर मॉडिफिकेशंस भाई, एक तो अलॉय लगवाए। हाँ, अलॉय के साथ ये लिए थे मैंने 40 के। अच्छा, अलॉय विद टायर। अच्छा, और क्या क्या है इसमें? उसके बाद मैंने स्टिकर्स लगवाए थे रोल बॉक्स से, ये पड़े थे 3,000 समथिंग। अच्छा यार, मैंने सुना स्टिकर्स का थोड़ा मामला है, ऐसा है कि स्टिकर उखड़ जाते हैं बहुत जल्दी? 4-5 महीने से भाई मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई? तो आपने कौन शॉप से लगवाया था? शॉप का नाम याद नहीं है, मैं एक और वैगनार में लगवाया है, उसमें भी ठीक चल रहा है। अच्छा, तो ये अपनी दूसरी वैगनार वहाँ पे खड़ी रहेगी, उसकी वीडियो जल्दी आएगी। तो आपने मतलब करोड़ की कोई रीनोन शॉप से करवाया था? हाँ, क्योंकि मेरा मानना पता क्या होता भाई, मैं अपनी वीडियो में ना जहाँ से आप लोग काम कराते हो, आप लोगों का अगर बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस है तो मैं वही सजेस्ट करता हूँ लोगों को जिसको मॉडिफाई कराना हो। तो ठीक है, तो उस दुकान में, उस दुकान का नाम मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ, मैं कुछ वो आपको बता दूंगा, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो उधर से आपने बस स्टिकर का काम कराया या फिर अलॉय टायर? हाँ, अलॉय टायर भी कराए थे। अच्छा, पूरा वही से हुआ है। हाँ, तो जितना मैं देख पा रहा हूँ भाई, अपने इस गाड़ी में अलॉय टायर्स हैं, इनकी बात करते हैं, फिल्म है, और कुछ हेडलाइट वगैरह में काम है? हेडलाइट्स एलईडी लगी है। एलईडी ये नीचे वाली हेडलाइट में? अच्छा, हेडलाइट में एलईडीज लगी है। ओके, तो मतलब मुझे लग रहा है भाई आपने टेस्टफुली मॉडिफाइड ही कर रखा है, ज्यादा कुछ अपने इसमें कुछ नहीं है भाई, सिंपल सोवर होनी चाहिए गाड़ी। हाँ, क्योंकि घर में भी चलनी है ऐसे। हाँ, तो अगर मैं पूरा पीछे से लुक दिखाऊं, ठीक है, तो तुम देखो पीछे से मतलब बेसिक है, ठीक है ना। भाई ने एग्जॉस्ट में कुछ कराया, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भाई का यार इंस्टाग्राम का देख लो, ये लगा पड़ा है, ठीक है। और सेम एज फॉर हर्षित, हर्षित नाम भाई का, तो भाई ने यहाँ पे एच का अपना प्रॉपर एक सिंबल लोगो टाइप का दे रखा है, थोड़ा अपनी पहचान वाली बात आती है इससे, बहुत बढ़िया। तो भाई जरा इधर आओ पास। अब मुझे ये बताओ, फिल्म से बहुत दिक्कत होती है? हाँ भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हो जाता है। दिल्ली में दिक्कत यार, मैं जहाँ भी जाऊँ ना, मैं गुड़गांव जाता हूँ वहाँ भी बंदे सेम बोलते हैं, मैं भी वैशाली यूपी में हूँ, मैं यूपी साइड पर जाता है ये, तो इधर भी मतलब बंदे यही बोले। दिल्ली में मतलब बहुत दिक्कत है मॉडिफाइड में, दिक्कत है ही भाई, कहीं ना साइड से ही आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन भगाना पड़ता है, मैं तो टक्कर मार देता हूँ। भगवान देख लो भाई। अच्छा, तो मतलब आपने स्पेशली शूट के लिए आपने फिल्म दोबारा चढ़वा दी? पर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ भाई, ये क्या है फिर, ये अच्छा लुक दे रही है भाई? ये इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स है? हाँ। तो ये आपने क्या करोल बाग से? तो इसमें पहले क्या इधर आते थे? नहीं, नहीं। तो आपने ये अलग से ही करवाया? ओके, और अंदर कुछ है इसमें? अंदर सिस्टम है। सिस्टम है, और पहले अंदर से लुक दिखाते हैं पब्लिक को, तुम देखो। अच्छा, कौन सा वाला मॉडल है वैगनार का? ये है LXi 2012 नवंबर। 2012 का मॉडल है, कितने की पड़ी थी ये? थी 4.5 ऐसी। मतलब वैगनार का रेट भाई अच्छा खासा है ही यार। हाँ, लोगों को लगता है कि 1.5-2 लाख में आते हो कि नहीं यार, 4.5 लाख 2012 की बात हो रही है ये। ये देखो भाई, अंदर से भी भाई ने इसको प्रॉपर बेसिक सही कर रखा है, अब लग रहा है कि मैं अपने पापा की गाड़ी बैठ गया। अंदर से प्रॉपर यार, मैं एक चीज देखता हूँ भाई, फिल्म से इतना अंधेरा सा आता है गाड़ी में, कैसे चला लेते हो आप लोगों को, दिक्कत नहीं आती भाई? रात में दिक्कत होती है। रात में दिक्कत होती है ना, जन्म बता रहे हो आप। हाँ, रात में दिक्कत। तो फिर कैसे? फिर भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ, पूरा फोकस रखना पड़ता होगा, पूरा फोकस, मतलब साइड से कोई गाड़ी ना आ जाए। हाँ, तभी वैसे आप मुझे पता नहीं नशा वशा करते हो? नहीं करते? नहीं करते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैमरे आगे नहीं बोलना हमें। लेकिन भाई सोचो, जो बंदा अगर कभी हाई वाई ऐसे हो के फिर फिल्म वाली गाड़ी में चला रहे हो, वो तो भाई मुझे लगता है गया फिर, वो तो फोकस रख ही नहीं पाएगा। हाँ, वो तो रख नहीं पाएगा, वो वैसे आदत हो गई ना, मतलब 1-1.5 साल से फिल्म
अच्छा तो मैं तो बोलता हूँ भाई इसमें फिर सिस्टम ही सुनाते हैं, अगर सिस्टम का आपने काम करा रखा है सिस्टम तो पीछे का वो दिखा देंगे, पहले आप सिस्टम में सुनाओ, ब्लूटूथ कनेक्ट करो, मेरा गाना लगा दो। अभी आएगा बेस, अरे मेरा गाना यूट्यूब पे सर्च करना, सीन केड़ा भाई, आ जाओ बाहर आ जाओ, पीछे का दिखाते हैं और गाना बजते रहने देना। ये देखो अभी इसमें प्रॉपर म्यूजिक चल रहा है, ठीक है, और जरा इसका सीन दिखाते हैं। ये देखो तो इसमें ये इन्फिनिटी के स्पीकर्स है, देख रहे हो अपनी वैगनार में। तो यार जितना मैं देख पा रहा हूँ भाई, यहाँ पे आपने एम्बिएंट लाइटिंग भी लगवा रखी है। तो यार आपने भाई मेरी वो पिछली वीडियो देखी थी, उसमें टाइटल दिया था सुपर वैगनार करके। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें अच्छा जरा हम बात करते हैं भाई, ठीक है, वो वाली वैगनार में मॉडिफाई आपने देखा था क्या क्या था? डीमन आई थी और बहुत चीज थी, हाँ स्पॉइलर वगैरह भी लगा रखे थे भाई ने, फिल्म तो उसमें लग रहा है स्पॉइलर लग रहा है। अच्छा स्पॉइलर नहीं दिखाया हमने फिर, हाँ ये देख लो ये इसमें स्पॉइलर भी लग रहा है। कौन सा स्पॉइलर है ये? मॉन्स्टर वाला है क्या, क्या नाम है कुछ? सिंपल स्पॉइलर है। तो ये बताओ भाई जो आपने हमारी वो पिछली वाली वीडियो देखी सुपर वैगनार की, तो जरा अपने उससे बताओ कि आपको सुपर वैगनार प्रॉपर लगी? भाई उसमें ज्यादा काम हो रखा है, ज्यादा काम हो रखा है, वो ओवर हो जाता है। अच्छा वो ओवर आपके हिसाब से? हाँ। मतलब ओवर इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सिंपल लगनी चाहिए, डिसेंट लगनी चाहिए गाड़ी, जैसे अलॉयज हो गए वगैरह, फिल्म चढ़वा ली तो मतलब सिंपल डिसेंट लगनी चाहिए गाड़ी। तो मतलब आपके हिसाब से वो उतना काम पसंद नहीं है आपको, हाँ, कुछ ज्यादा ही लगता है फिर? हाँ। क्योंकि उसमें डीमन आई वगैरह और हाँ। थोड़ा बहुत ऐसी जो काम था, हाँ वो लाइटिंग वगैरह, लाइटिंग ज्यादा नहीं पसंद आपको जाती है। अच्छा तो बाकी यार देखो देखो यार, मतलब मैंने भाई से इसलिए पूछ लिया क्योंकि ना सबसे पहले कॉन्टैक्ट मैंने भाई से ही किया था, ठीक है, वो तो बीच में अपनी वैगना वाली वीडियो बन गई, लेकिन मेरा मूड प्रॉपर भाई वाली वैगना को ही शूट करने का, इसलिए मैंने भाई से पूछ लिया कि भाई आपका अपना रिव्यू बताओ उस वीडियो को देखकर कैसा रहा, ठीक है। तो ये भाई हर किसी का अपना टेस्ट होता है, हर कोई अपने हिसाब से मॉडिफाई कराता है गाड़ी को, है ना। पर मैंने भाई से वही पूछा कि भाई जैसे आपने यार एलॉयज लगवा रखे हैं, ठीक है, एलॉय फिल्म, तो भाई ने बोला कि यार मेन दिक्कत मतलब मेन जो मॉडिफिकेशन में होता है वो एलॉय फिल्म ही और स्पॉइलर इन सबसे ही बोलते हैं ना, बाकी लाइट लूट तो वो टेस्ट के हिसाब से। मेन जो पुलिस वाले होते हैं वो फिल्म से ही पकड़ते हैं और कुछ नहीं, फिल्म से ही, और एलॉयज भी, एलॉयज से कोई दिक्कत नहीं मतलब उतना। और भाई आजकल तो सच में देख रहा हूँ हर दूसरे बंदे ने एलॉय लगवा रखी है अपनी गाड़ी में, भाई वो तो होती है, ये तो ट्रेंड चल रहा है और एलॉय से ही लुक आता है बहुत बढ़िया। हाँ ये तो है। तो यार मतलब वो ये भाई की सिंपल एंड सटल जैसे बोलते ना बेसिक में मॉडिफिकेशन है, ज्यादा काम नहीं करा रखा। आओ एक बार अपनी वैगनार को बढ़िया चलाते हैं, देखते हैं 2012 मॉडल वैगनार में क्या सीन है चलाने का, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी पापा की वैगनार ही चलाई थी यार, और वो तो मेरा काफी खराब एक्सपीरियंस था, मतलब वो पापा की गाड़ी तो मत ही चलाऊंगा तो ये बोलूंगा भाई, एक हल्का सा गलत टर्न लिया थी ना, टपली आती टट भाई, यहाँ मैं कुछ कंट्रोल देख पा रहा हूँ, ये सब क्या है भाई? ये हूटर, और ये हूटर का है कैसे? अच्छा इसको खींचना होता है ऐसे, ये टूटा हुआ है ऐसे ही? हाँ। अच्छा और ये भाई? ये लाइटिंग है, लाइटिंग्स है। ओ तेरी, तो भाई ये है ना दिखाने वाली चीज, ये लाइटिंग तो वैसे फिर आपने भी कर रखी है? हाँ मतलब इतनी नहीं, अंदर कर रही है, अंदर से ज्यादा लुक अच्छा आता है, बाहर से वो ओवर हो जाता है, मतलब स्प्रिंग से थोड़ा उठवा है, स्प्रिंग चेंज है, हाँ वो थोड़ी उठवा उससे उठ जाती है थोड़ी। अच्छा मतलब प्रॉपर सस्पेंशन काम नहीं हुआ पर थोड़ा बहुत ऐसे ही उठती है ऐसे। चलो भाई आओ। ओ भाई हमने अपनी वैगनार को निकाल दी है और सामने ठोक देंगे, ओ देखो देखो इधर को दिखाओ फुल बोले, अरे उड़ा देगा क्या चाचा? चाचा भाई अपने में ही रहते हैं यार, तो मतलब गड्ढों में थोड़ा ध्यान से निकालनी होती है इसको। और भाई पता लग रहा है यार ये वैगनार चला के ना कि हाँ यार ये वही मेरे पापा वाली वैगनार ही है, क्योंकि वो भी ऐसी भाई सीएनजी है क्या? हाँ सही है, एलेक्स आई, तुम्हारी भी एलेक्स आई होगी? हां नहीं सीएनजी है आपकी वाली, ये सीएनजी लगी? नहीं नहीं सीएनजी नहीं, सीएनजी लगा। यार ये बताओ ऐसा क्यों होता है भाई कि जितने भी अपने मतलब भाई बंधु होते हैं इनको सीएनजी सुनते ही बहुत अलग लगता है कि नहीं ये पागल है क्या सीएनजी में? भाई ये सीएनजी क्या एक चौड़ में वो करता है कि नहीं है सीएनजी गाड़ी, अपन पेट्रोल में चलते हैं डीजल में चलते हैं? हां ये तो होता है, ये थोड़ा होता है। रुको यार थोड़ा सा हूट, अभी देखो अपन थोड़ा अंदर वाले इलाके में है तो हल्का हूटर चला के चलेंगे, एक थोड़ी हवा बनती है ऐसे। भाई बोल रहे स्पीड ब्रेकर्स में आराम से निकाल यार। अच्छा भाई इसमें यार थोड़ा मैं देख रहा हूँ
नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ा अलग मामला है। हाँ मतलब कैसे नॉर्मल? मतलब ऐसे कि यार जैसे मेरा और क्लच का रिश्ता भाई आज तक बना नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी। हाँ 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 अभी आप अपनी गाड़ी को भी देखोगे अगर मैं थोड़ी देर और चलाऊ ना। अच्छा। तो आप अपनी गाड़ी को वैसे तो नहीं देख पाओगे क्लच का, क्योंकि सीन क्या कि भाई सबसे पहला क्लच ना मैंने अपने पापा की गाड़ी का खराब किया था यार। अच्छा, अच्छा। वो रैग ना भाई बोल रहे उतर अभी उतर। क्यों ऐसा क्या करते हो? नहीं मतलब देखो करता तो मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, जादू है बस, अपना अपना जादू होता है भाई। नहीं बात ये है कि भाई देखो जैसे इसमें क्या है, मेरा पंजा ना एक्सेलेरेटर बहुत भारी है। हाँ। समझ लो मैं क्लच ऊपर करके पंजा बहुत देता हूँ ऐसे। अच्छा। तो वो बहुत उतना ज्यादा लोड लेता है इंजन फिर, है ना। और हर गाड़ी का अपना अपना अलग होता है फिर मामला। हाँ। और वैगनार जैसे पुरानी वैगनार हो गई है तो ये क्या उतना ज्यादा ही लोड लेगी। हाँ। तो पुराना इंजन है, नया इंजन होगा तो ठीक है फिर भी बेयर कर जाएगा। हाँ। तो ये पहली बार मेरे से दिक्कत हुई थी। लेकिन अगर चलाने का पूछो तो भाई देखो मुझे तो यार एलॉयस का ना कुछ खास पता लग नहीं रहा, बस वो स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढे पे ही पता। हाँ, स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढे में बहुत पता लगता है। और अगर वो पीछे बंदे बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यही होता है कि लोड थोड़ा ज्यादा लेती है यार। हमने यार अरे मेन चीज तो पूछनी भाई, ये कितने इंची लॉय है? ये 15 इंची है। अच्छा 15 इंची है, मतलब जितने के नॉर्मल पहले वाले थे उतने ही है क्या? उसी जैसे पहले कंपनी वाले कंपनी कितने इंच आते हैं? उसके 13 इंची होते हैं। 13 इंची होते हैं, आप तो 2 इंची ऊपर एरर लगा रखे हैं। हाँ लोग कहते हैं 17 लगते हैं भाई, 16 लगते हैं। हाँ नहीं ये तो है, वो टायर हाई प्रोफाइल है ना इसलिए से। ओके तो उधर ही पहुंच जाएंगे हम घुमा के। हाँ उधर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है तो भाई वैगनार से आपको बहुत प्यार है भाई? अब गाड़ी है तो प्यार तो हो गई, मतलब फुल लवर हो आप वैगनार के? हाँ मतलब ये मान लो। अच्छा जी क्या बात है। और बाकी देखो भाई अगर मैं इस गाड़ी को रेटिंग दूं तो भाई रेटिंग तो मैं 10 में से 7 देने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि 3 रेटिंग मैं काट रहा हूँ इस गाड़ी को चलाने के एक्सपीरियंस के उसमें। भाई आप तो चलो पक्के खिलाड़ी हो, समझ रहे हो, आपको पता है कैसे चलाना है, पर इन सब गाड़ी को चलाने में ना भाई थोड़ा सा वैसी ओल्ड वैगनार ऊपर से आपने एलॉय लगा दी है तो बंदा वही चला पाएगा जिसको प्रॉपर नॉलेज पता है कि हाँ यार ये वैगनार ये सब गाड़ी चलती कैसे है। बाकी देखो एक बार हम भाई से पूछेंगे कि यार भाई ये बताओ जरा आप कितने साल चला रहे हो वैगनार अपनी? भाई यही वही हो गए 10-11 साल हो गए। हाँ जैसे अभी स्पीड ब्रेकर आया तो हमने धीरे से। हाँ तो ये सही था। हाँ भाई ध्यान दे रहे हैं क्लच पे कितना ज्यादा पैर जा रहा है इसका। तो भाई जैसे कुछ नेगेटिव पॉइंट बताओ वैगनार के, आपको तो मतलब एक्सपीरियंस हो गया। मान लो क्या ये जो चलाने के ऊपर है, हाँ हाँ अलॉयज लगवाए हैं, इसमें बहुत ज्यादा डब मतलब बहुत तेज लगती है गाड़ी। और गर्मी में इसका एसी पीछे काम नहीं करता। अच्छा, आगे अच्छा आगे चला पीछे तक। अरे हाँ यार ये मेरे पापा की वैगनार भी, हम जब पीछे मम्मी दीदी बैठती हैं ऐसे तो मैं सुनता हूँ कि पीछे हवा नहीं आ रही होती, आगे बंदों को ठीक है। गर्मियों में दिक्कत होती है। बाकी भाई कोई दिक्कत नहीं है। और कोई नेगेटिव पॉइंट वगैरह है क्या इसका भाई? और कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं, और कोई नहीं है। हाँ 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 वो एलॉयज से ना वो बहुत ज्यादा पेट्रोल खाती है। अच्छा बहुत ज्यादा पेट्रोल, कितना एवरेज दे रही है फिर ये? भाई ये 8-7 का दे रही है। अच्छा तो यही वाला मामला है भाई। बाकी देखो अपन अपनी लोकेशन वापस पहुंच गए हैं तो चलो वीडियो को अपने पे एंड करते हैं। और मेन क्या है कि देखो भाई जब मॉडिफिकेशन थोड़ी मतलब नॉर्मल सी होते हैं, टेस्टफुली मॉडिफाई जैसे बोलते हैं, भाई ने प्रॉपर अपने टेस्ट हिसाब से मॉडिफाई कराई, ठीक है? तो ज्यादा कुछ इसमें काम है नहीं कि हम और बातें करें, जितना काम है उतना भाई ने बढ़िया कराया, उतना भाई से बात करके गाड़ी दिखा के मजा आया। बाकी तुम लोगों का काम है, अब तुम लोग मुझे कमेंट्स बताओ कि तुम लोगों को यार ये वैगनार कैसी लगी। मेन क्या है अब एक और वैगनार भी है जिसका हम शूट कर रहे हैं और उसकी जो वीडियो है वो अभी तो आएगी नहीं, मतलब थोड़ा बाद में आएगी। लेकिन अगर तुम इस वाली वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे, कमेंट सेक्शन में प्रॉपर भर दोगे कि हाँ हमें दूसरी वैगनार भी देखनी है जो इससे तगड़ी है। हाँ भाई अच्छी है, मतलब दोनों अच्छी हैं। दोनों अच्छी है वो बोल रहे हैं, अरे मेरा दोस्त है ना उसको कहते हैं मेरी गाड़ी ज्यादा अच्छी है, दोस्त की तो नॉर्मल है। तो मतलब ये कि वो गाड़ी भी अच्छी है, ये गाड़ी भी अच्छी है, तो वो गाड़ी अगर तुम देखनी है तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करना है। सेम सा काम है, सेम सा ही काम है, पर उसके अलावा ज्यादा बाहर है। हां उसके ज्यादा बाहर, तो ये वाला कुछ मामला है। बाकी वीडियो लाइक कर देना, कमेंट्स में प्रॉपर हाइप दिखा दो कि हाँ यार पसंद आई नहीं आई वीडियो, बता देना गाड़ी तुम्हें कैसी लगी और नेक्स्ट वैगनार देखनी देखनी, प्रॉपर कमेंट्स पा दो, बातें करते हैं। सब्सक्राइब करना चैनल को और भाई के इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना क्योंकि रील बहुत बेहतरीन डालते हैं भाई, मैंने फॉलो कर रखा है भाई को यार, और मुझे भी इंस्टा फॉलो करना अगर तुम लोगों को अपनी गाड़ियों का मतलब मामला शूट कराना है तो, ठीक है? मतलब देखो हम कार रिव्यू तो बोलते नहीं है, ठीक है? कार रिव्यू तो मेन क्या है तो मतलब ऐसा ही कुछ, पर रिव्यू भाई आप दे रहे हो, ये ओनरशिप रिव्यूज है, समझ लो। हम तो मस्ती कर रहे हैं, मैं वेला इंसान हूँ, शाम में मुझे निकलना था तो मैं मस्ती करने आ गया गाड़ी में, है ना, मुझे एंटरटेनमेंट करता हूँ मैं तो।
तो रिव्यू आप लोग ही दे रहे हो, तो ये जस्ट लाइक ओनरशिप रिव्यू है, तो जिसको अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना है तो इंस्टाग्राम में आ जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रॉपर, फॉलो कर लेना मुझे और भाई को भी। बाकी चलो वीडियो पे एंड करते हैं, तो यार मैं भी अगली वीडियो, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, गुड बाय, साइनिंग आउट।